अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज ना हम आपके साथ बहुत प्यारी स्टोरी लेके आ गए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो आपने करना ये है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लेना। तो चलें चलते स्टोरी की तरफ। एक राजा था, उसकी कैद में एक बहुत बड़ा टॉप लेवल का आलम था। अच्छा, जब राजा को थोड़ी उलझन थी कि आखिर औरत चाहती क्या है, तो आलम को जो सज़ा थी उसका सर काटने की सज़ा थी। अब जी आलम को पेश कर दिया गया राजा साहब के सामने। तो राजा साहब ने आलम से एक सवाल पूछ लिया। सवाल यह था कि आखिर औरत चाहती क्या है। तो आलम जो है वो बेचारा सोच विचार में पड़ गया कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ, उसको खुद भी नहीं पता था। अच्छा जी, उसने ना उसे राजा से थोड़ी मोहलत मांग ली, उसको मोहलत मिल गई एक साल की। आलम बेचारा परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता फिरता एक गाँव में चला गया। गाँव वाला से कुछ दाना आदमी थे, कुछ बुज़ुर्ग थे, उनसे आलम ने सवाल किया। तो वो लोगों ने सामने जंगल था बोला कि उधर एक चड़ेल रहती है, हो सकता है उससे आपको जवाब मिल जाए। आलम चला गया चड़ेल बाजी के पास। अब चड़ेल बाजी से जब सवाल किया गया तो उसने बोला कि मेरी एक शर्त, आप मुझसे शादी कर लें। आलम ने बेचारे ने सोचा कि यार मरना तो मैंने उधर भी है, अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो जान तो फिर भी जानी है, तो अब बेहतर है शादी कर लें, हो सकता है सवाल का जवाब मिल जाए। अब चड़ेलबाजी से उसकी होगी आलम की शादी। जब शादी होगी तो चड़ेलबाजी ने बोला कि आप मुझे बताएं कि मैंने ना दिन में 24 घंटे तो मैंने 12 घंटे चड़ेल बनना है और 12 घंटे मैंने परी बनना है, सॉरी। तो आलम ने बोला कि यार अब मैं क्या करूं, इसको अगर मैं रात को परी बनाऊँ तो दिन बड़ा मुश्किल कटेगा, अगर दिन को बनाऊँ तो रात बड़ी मुश्किल कटेगी। अच्छा, आलम ने ना बहुत सोचने के बाद उसने बोला कि जब आपका दिल करे ना आप परी बन जाएं, जब आपका दिल करे आप चड़ेल बन जाएं। चड़ेल बाजी तो बड़ी खुश होगी, उसने बोला जी वाह वाह, मेरी तो मौजें लग गई हैं, मैं तो अपनी मर्ज़ी की मालिक हो गई हूँ। अच्छा जी, अब हुआ क्या जी, चड़ेल बाजी ने शादी वादी होगी उनकी, उनको फ्री हैंड कर दिया। अब जी आलम को भी उसके सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन आलम समझ नहीं पा रहा था ना, तो उसने बोला कि अब मेरे सवाल का जवाब दें, मैंने जाकर राजा को वापस जवाब भी देना है। अब चड़ेलबाजी ने किया कि आज चड़ेलबाजी ने बोला कि आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर तो आप औरत को फ्री हैंड कर दें तो वो परी बन के रहेगी, यही वो चाहती है कि वो अपनी मर्जी करे, खुद मुख्तार रहे। तो आलम साहब जी बड़े खुशी खुशी वापस चले गए, जाकर राजा साहब को बताया कि भैया आपके सवाल का जवाब ये, औरत ये चाहती है। तो आलम बेचारे की सजा तो होगी माफ़। अब जी हम लोगों के लिए इसमें सबक ये है कि अगर हमने अपने घरों में परियां रखनी है तो फिर हमें करना पड़ेगा इनको फ्री हैंड, मतलब कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने दे। तो अगर चड़ेल ही रखनी है तो फिर आप उसके ऊपर बैन सैन ये वो लगा के रखें तो वो भी इंशाल्लाह चड़ेल ही बन के रहेंगी ना। तो अब इसमें ना समझने वाली बात यह है कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि अब आपने ज़िंदगी चड़ेल के साथ गुजारनी है कि या परी के साथ। अगर परी के साथ गुजारनी है तो फिर आपने आलम वाला काम करना है, और अगर चुड़ैल के साथ गुजारनी है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है, आपके फ़ीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।